दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े। नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के एनएच 2 पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब हैंडबॉल खिलाड़ी बिहार से टूर्नामेंट खेलकर वापस कानपुर जा रहे थे। इस कार में कुल 6 खिलाड़ी सवार थे। ये लोग थरियाव क्रॉस कर ही रहे थे कि तभी एक ट्रैक्टर सामने से आ गया और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 खिलाड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 4 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सरकारी 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। मृतक की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार आ रहा थे, खेल कर आ रहे थे, जो अपना थरियाए के पास ट्रैक्टर उनकी साइड से आ रहा था, जिसकी लाइट बंद हो गई, उसने अचानक मोड़ दी, जिनकी गाड़ी रुकी डिवाइडर से चढ़ के और ताली पीछे वाला हिस्सा होता जो उस पर लगा। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में थे 6। और क्या हाल है? 4 तो चोट लगी, वो गंभीर भर्ती है अस्पताल में, 2 के बाद स्पोर्ट खत्म हो गया। जितने भी लोग थे सब खिलाड़ी हैं, हैंडबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। और अभी इससे पहले ये लोग जौनपुर में 15 दिन का कैंप किए थे, वहाँ से इनकी टीम गई हुई थी बिहार में ऑलिडिया टूर्नामेंट खेलने के लिए। अब ये लोग कल रात में वहाँ से वापसी किए हैं शाम को 6 बजे करीब। तो इनका रास्ते में यहीं आपके पास में कौन सा ये पड़ता है थाना फतेहपुर के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसकी ट्रॉली को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। गाड़ी 4 बार पलट गई, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। गाड़ी में 6 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? ब्रीजा। 6 लोग थे जिसमें ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ हो गई, जिसका नाम अमर यादव है, एक दवासी से इन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद 4 लोग जो हैं वो गंभीर हालत से काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि उनके चोट लगी हुई है, किसी का सर फटा है, एक पैर में काफ़ी चोट है, हाथ में चोट है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।